नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गीगा मॉल से तकरीबन 8 किलोमीटर की मुसाफत पर और रवाज से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर, जहां पर हॉक्स मेलबर्न सिटी बनने जा रही है। और मेरे साथ पाकिस्तान के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो कि इस सोसाइटी के ओनर हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का 10 से 15 साल का अरसा ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में गुजारा। उसके बाद मेलबर्न सिटी से इतने इंस्पायर्ड हुए कि इन्होंने पाकिस्तान आने का सोचा और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर यहाँ पर सोसाइटी लॉन्च की है, जहाँ इंटरनेट नेशनल, मल्टी नेशनल और नेशनल ब्रांड्स होंगे। इसके साथ साथ मेलबर्न सिटी के तर्ज के कुछ मॉल्स बनाए जाएंगे और उसका रेप्लिका बनाया जाएगा। हॉक्स मेलबर्न सिटी की मैं बात करूं तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट सफारी पार्क, जू, इसके साथ साथ एक बड़ी फूड स्ट्रीट भी अपने अंदर रखेगा, जो कि अपने आप को इससे मुलिका तमाम सोसाइटी से डिफरेंशिएट करेगा। मेन फीचर इस सोसाइटी का ये है कि इसके इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज हैं, अगर वहां पर आप रेट्स पता करें तो तकरीबन 50% तक ये उन रेट से कंसेशन पर ये प्लॉट जो है वो सेल कर रहे हैं। और मकसद यही है कि पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए, जबकि मेन फीचर में एक्सप्रेस वे जो है वो यहां से 8 से 10 मिनट की मुसाफत पर है। ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आईडीए कहा जाता है, उससे अप्रूव सोसाइटी है, जिसका एनओसी मिल चुका है और मजीद जो फेजेस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये करते रहेंगे। 5 मरला, 10 मरला और 1 किनाल के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, ये तमाम तर मालूमात हम इनसे लेते हैं। हॉक्स मेलबर्न सिटी नाम रखने का मकसद क्या है? हॉक्स मेलबर्न सिटी नाम रखने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि मेलबर्न एज इटसेल्फ वो आपको बता रहा है कि क्या चीज है। मेलबर्न एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है। आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। दिल में यही था कि कोई ऐसी चीज अपने लोगों के लिए पाकिस्तान में लेके जा सकें। तो बेसिकली ये हॉक्स जो है वो एक परिंदा है जो सबसे ऊंचा उड़ता है। इंशाल्लाह हमारा प्लान भी यही है कि रियल स्टेट की फील्ड में जो है वो एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के लिए लेकर आएंगे, कम्पेटिटिव प्राइसेस पर लेकर आएंगे, और जो हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है उसको हमने ज्यादा टारगेट किया है। प्लॉट्स के जो एरिया है वो कितने हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है? 5 मरले, 10 मरले और 1 कनाल है सिर्फ। इसमें हमने कोई छोटे प्लॉट नहीं रखे क्योंकि ऑब्वियसली वी आर रेप्लिकेट मेलबर्न। इसकी प्राइसेस जो है वो सबसे ज्यादा कंपैटिबल प्राइसेस है यहाँ पर, सबसे बेहतरीन प्राइसिंग है इस पूरे बेल्ट में। 1875 है, 18,75,000 रुपए है 5 मरले का, 35 लाख रुपीज है 10 मरले का, 67,50,000 रुपीज है 1 कनाल का, और ये भी आपने इकट्ठे नहीं देने, ये आपके 3 इयर्स का टाइम आपको दिया गया है। थ्री मॉडल है जिसमें खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर काम होगा, और जो ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से होंगे और बिजली अपनी होगी? बिजली का ये है कि ये वी आर क्लेमिंग इट्स पाकिस्तान फर्स्ट हाइब्रिड सिटी, और हाइब्रिड से हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम 60-70% ऑफ द एरिया जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसको हम सोलर पर ले जाएंगे इंशाल्लाह। इर्द गिर्द की सोसाइटीज हैं वहाँ पर तो रेट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपने कंपैरेटिवली रेट्स कम रखे हैं, उसकी वजह क्या है? मेन मोटो यही था कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं उनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकें। दूसरा ये है कि हमारी जो डीलर्स की कम्युनिटी है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम कम रेट से आगे आएं और जो लोग हमारे साथ फर्स्ट फेज में इन्वेस्टमेंट करें उनको प्रॉफिट्स हों इसमें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हमारे इस सोसाइटी के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर जो रिंग रोड है उसकी इंटरचेंज है, इट्स रफली अराउंड 700 मीटर्स फ्रॉम हियर एयरपोर्ट। उसके बाद जो है वो 15 मिनट की मुसाफत पे होगा। उसके अलावा अगर आप लाहौर वाली बेल्ट के हवाले से बात करें तो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ऑन योर लेफ्ट इस्लामाबाद सियालकोट मोटरवे आ रहा है, वो भी तकरीबन 750-800 मीटर पे इंटरचेंज है। एनओसीज और जो आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में भी नाज़रीन को बता दें। हमने अपनी चीज़ों को सेल नहीं किया जब तक हमारी लीगैलिटी क्लियर नहीं हुई। अभी भी जितने भी हमारे एनओसीज रिक्वायर्ड एनओसीज होते हैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कौन से फीचर्स हैं कि जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं उनको मुस्तकबिल में क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करेंगे? पर्पस बिल्ड गार्डन सिटी होगी। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे और इंटरनेशनल लेवल के पार्क्स होंगे, ग्रिड स्टेशन अपना होगा इंशाल्लाह, फूड स्ट्रीट्स होंगी जो वर्टिकल फूड स्ट्रीट्स होंगी, मेलबर्न क्लब है, स्कूल्स अपने होंगे, उसमें हम लोकल ब्रांड्स के साथ हमारी बात चल रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए हमारी एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ बात चल रही है इंशाल्लाह, जो ऑस्ट्रेलिया से है, दुनिया के 50 टॉप यूनिवर्सिटीज में उनकी रैंकिंग आती है। कब्रिस्तान अपना है और कब्रों के पैसे भी।
सफारी पार्क हम एक लेकर आ रहे हैं जो कि 150 कनाल के ऊपर होगा, जिसको हम एक्सटर्नली कवर कर देंगे, लेकिन अंदर जो है वो गाड़ियों में आप जा सकते हैं। इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि अपनी कुछ मसाजिद यहाँ पर ये बनाएंगे, इमाम बारगाह भी होंगी और वो तमाम लोग जो अपने अपने अकायद के मुताबिक यहाँ पर अपनी इबादत को अदा करना चाहते हैं तो उनको एक पूरी स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग कम्युनिटी है वो दी जाएगी। सिक्योरिटी सिस्टम कैसा होगा? इंशाल्लाह ये गेटेड कम्युनिटी होगी, इसमें हम अपना सिक्योरिटी लाइसेंस खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में अप्लाई करेंगे। मार्च में अल्लाह ने जिंदगी दी, 2023 में आप यहाँ पर आपको बुलाएंगे दोबारा इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेन बुलेवार्ड्स रोड्स वगैरह निकले होंगे, पोजेशंस हम कुछ हद तक लोगों को दे चुके होंगे, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है हमारी दैट इज द टाइम स्पैन ऑफ 3 इयर्स जो हमने इंस्टॉलमेंट प्लान रखा है उसी के इर्द गिर्द में इंशाल्लाह। रावलपिंडी में मौजूद वो तमाम पिंडी बॉयज और पिंडी गर्ल्स मुख्तलिफ किस्म के बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स पर वो देखते रहे हैं कि गल्ला नु समझो बाकी गल्ला फोन थे। ये भी हम इनसे पूछेंगे कि ये इतना सरकास्टिक सा और इतना कैची सा इन्होंने ये स्लोगन दिया और इसके पीछे उसकी वजह क्या थी। हमारा जो नाम है बड़ा मुश्किल है, ऑक्स मेलबर्न, सारे प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे इसको क्योंकि अंग्रेजी में तो सारे ही करते हैं, तो हमने ये सोचा था कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, इसलिए उनको ये बोला था कि गल्ला नु समझो देयर इज समथिंग वेरी मैसिव व्हिच बाकी गल्ला फोन थे। बाकी गला फोन चाहिए कि गल्ला नु समझो और फिर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमारे यूएन नंबर्स पे कॉल करें और बाकी फोन पे आपको इन्फॉर्मेशन दें। हमारे कुछ मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्रीज के साथ बात चल रही है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पर इंशाल्लाह हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी कुछ लेकर आए। सरप्राइज है, सरप्राइज। 30 साल की उम्र में आप ये प्रॉपर्टी की फील्ड में आ गए, मेरा नहीं ख्याल कोई आपसे भी कोई यंग एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में होगा, तो उसकी वजह क्या है? ऑस्ट्रेलिया की शाहाना लाइफ छोड़ गया, पाकिस्तान आ गए। जज्बा था अपने मुल्क के लिए काम करने का, बस ये अल्लाह ताला का प्लान था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है इस उम्र में और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अपने लोगों की अच्छे तरीके से खिदमत करें। अगर आप में से कोई इनकी ऑथराइज्ड डीलरशिप भी लेना चाहता है तो इनके यूएन नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनसे रابطہ कर सकते हैं। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए, हॉक्स मेलबर्न सिटी में मजीद क्या क्या आएगा इसकी डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।